हेलो दोस्तों, देखिए इस प्रश्न को कैसे सॉल्व कर पाते हैं। बढ़िया प्रश्न है, सुंदर प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा इस प्रश्न को। अ टेबल वॉज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%। इफ़ इट्स कॉस्ट प्राइस वॉज 5% लेस एंड इट वॉज सोल्ड फॉर ₹7 मोर, द गेन वुड हैव बीन 20%। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टेबल। देखिए पहला बात बोलता है कि इस टेबल को 10% के प्रॉफिट पर बेचा जाता है और इसका कॉस्ट प्राइस जब 5% घटा दिया जाता है और ₹7 बढ़ा कर बेचा जाता है तो फिर इसका जो गेन परसेंट हो जाता है वो 20% हो जाता है। तो ये हमें टेबल का कॉस्ट प्राइस बताना है। मतलब इधर कॉस्ट प्राइस में 5% का कमी भी करते हैं और इधर जो है बेचते समय ₹7 बढ़ा भी दिया जाता है तो गेन परसेंट 20% होता है, तब हमें बताने की कॉस्ट प्राइस क्या होगा। तो थोड़ा सा क्वेश्चन जो है वो घुमा दिया गया है, हल्का सा घुमाया गया है, लेकिन क्वेश्चन खूब आराम से बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके का क्वेश्चन में जब डेटा की कमी होती है तो उसमें सीधे सीधी हम लोगों को कोई एक कॉस्ट प्राइस मान लेना होता है, सेलिंग प्राइस मान लेना होता है। तो यहाँ पर हम सीधे लेट एज्यूम कर लेते हैं कि जो कॉस्ट प्राइस है वो 1000 है। बड़ा अंक इसलिए ले रहे हैं, 100 नहीं ले रहे हैं, 1000 इसलिए ले रहे हैं क्योंकि कैलकुलेशन करने में थोड़ा आसानी हो, डेसिमल में ना जाए। तो थोड़ा सा ये अपने कॉमन सेंस लगाकर सॉल्व करना होता है दोस्तों। ₹1000 जैसे ही कॉस्ट प्राइस हुआ, 10% के प्रॉफिट पर बेच रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं सेलिंग प्राइस जो होगा वो ₹1100 होंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक तो क्लियर है सब। इफ़ इट्स कॉस्ट प्राइस वॉज 5% लेस, कॉस्ट प्राइस को 5% घटा दिया जाता है तो 5% जैसे ही हम घटा देंगे तो 1000 का 5% घटाएंगे तो 950 हो जाएगा, क्योंकि 10% 100 होगा, 5% 50 हो गया, सीधी सी बात है। अब यहाँ पर कहता है कि जो सेलिंग प्राइस की बात कर रहा है, ₹7 और बढ़ा भी दिया जाता है इसमें, मतलब कॉस्ट जो जो सोल्ड किया जा रहा है, जो बेचा जा रहा है, पहले तो सेलिंग प्राइस था 1100, अब 1100 में ₹7 बढ़ा जाए, लेकिन ये तो 1100 यूनिट में है, ये तो हमने एज्यूम किया और ये रुपीज़ में है तो हम लोग इसमें तो ऐड डायरेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन सेलिंग प्राइस में कहीं ना कहीं ₹7 बढ़ा दिया गया और बढ़ाने के बाद 20% का फ़ायदा होता है, तो हम क्यों ना सीधे ही CP पर 20% का फ़ायदा निकाल लें, बाकी बाद में देख लिया जाएगा जो होगा होगा। क्योंकि जो घटाया गया CP है, जो घटाया गया CP है उसी पे तो 20% का फ़ायदा हो रहा है, तो इस पे 20% का फ़ायदा है तो इस पे 20% हम निकाल सकते हैं, 950 भाग कर देंगे कितना से, 100 से, और गुणा कर देंगे कितना से, 120 से, सीधा सीधी बात है। यहाँ से एक जीरो ये कैंसिल हो गया, अब इसका मल्टीपल इससे कर देते हैं, क्या दिक्कत। तो 12 × 60 और 12 × 9 = 108, 108 और 6 100 कितना होगा, 108 और 6 114, तो ये हो गया 114, यानी यहाँ पर हो गया 1140। अब यहाँ पर 1140 है, यहाँ पर है 1100, यह अंतर क्यों हो रहा है सेलिंग प्राइस में, अंतर इसलिए हो रहा है क्योंकि ₹7 जो है वो ज़्यादा में बेचा गया, पहले के तुलना में ₹7 बढ़ा कर बेचा गया, तो ₹7 बढ़ा कर बेचा गया यानी 4 यूनिट में तो 40 यूनिट ही ज़्यादा दिख रहा है और रुपए में वो 7 होगा, यानी अगर कंपेयर करें तो 40 यूनिट और ₹7 ये दोनों बराबर होंगे। तो हमें निकालना है कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ टेबल ये वाला निकालना है, पहला वाला। तो 1000 यूनिट हमने माना था, तो हम लोग क्या करेंगे कि 7 को 40 से भाग लगेंगे तो 1 यूनिट का मान निकल जाएगा, और जब 1 यूनिट का मान निकल जाएगा तो हमें निकालना 1000 यूनिट का मान, क्योंकि हमें कॉस्ट प्राइस निकालना, तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस एक्चुअल निकल जाएगा रुपीज़ में, 10 ये कैंसिल आउट और 4 से कटाते हैं तो कितने बार में चला जाएगा, 25, और 25 का गुणा 7 से करते हैं तो 175 आएगा, तो ये ₹175 में ये एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। फाइनली ये आपका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको ये सॉल्यूशन बिल्कुल समझ में आएगा, नहीं समझ में आता है तो कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।